समाज काफी काफी सुधारो वो अपने समाज ने बनाया। आप भी जानो, दुनिया भी जाने। अभी वो समय आयो है भाई, नारायण जी बताई नहीं बात आपने के जो हवन हुए न तो हाड़का नोखो वाला घड़ा हुए कटे अपने समाज का छोकरा नहीं कटी पोतरा हुए भोला हुए, लेकिन पोतरा है भोला है वो समाज हमें रबारी समाज नहीं रही। वो समय गयो, वो तो अनारे बेवी जनारी मेहरबानी हुई ना बाप जी का आशीर्वाद थी। जे जे दाड़े आपे भोड़ाता था पोतराता था वे समय है तो चलो कियो। आज तो बहुत होशियार है, मैं तो खूब खुशी हुई के युवा साथी इतना ला गया देखवा में, जो खूब आनंद आयो, आत्मा तबियत खुश हुई थी। तो भाई इतना हमने जालोर सिरोही मारवाड़ा देवासी समाज का युवा अठे आवे बिजनेस करें वो तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी नारायण जी भाई साहब क्यों के ओडाराम जी सिरोही थी लड़े चुनाव, रतन जी भाई साहब रोनीवाड़ो थी लड़े, बिल्कुल बराबर है, अच्छी बात है। त्रिजलो भाई बरे खेताराम जी इनका के सिरोना थी के बरे लड़ो बाप जी का आशीर्वाद थी। ओ भी ईश्वर ने प्रार्थना करा आज नेता लोग को भी कहा मांग करा के भाई मोरे खेताराम जी ने भी टिकट दे लड़ाओ, समाज आगे बढ़े। तो अपरे सिरोही में ओटाराम जी लड़े, रोनी मैडम रतन जी लड़ी, ये ओपी के देखा बॉटम बेटी कटे दे रहा है, बॉटम बेटी तो बे तो हाय घरे अंदर समाज में दे रहा है। आप ध्यान रखना है आप लोगों ने, राजनीति की बात नहीं है, समाज की बात है। समाज रे हारू अने लोग कोई पॉइंट पॉइंट अपन करे तो बतायो है। 100 साल और है भाई, 65 साल राज आजाद, 23 हजार दुकान तो कई साल हुई बड़े ने बाद में अपन आने बेचने से बतायो है समाज ने। और जो ऑपरो मनोबल भी बढ़ी हुआ है कि मोरा समाज रे आगे वो बे नेता है, छोटी मोटी बात भी है या वो अपनी पीढ़ भी है तो उन्होंने धके जाए नाम दर्द ओपे बतावे उन्होंने तो अपनी मदद करी समाज रे हिसाब थी। तो बे जनों रो सहयोग करियो। रही बात कोमरी संगठन बिना कोई नहीं है, समाज संगठन बननो पड़ी, संगठन अत्रो मजबूत राखनो पड़ी। ये इलेक्शन नंबर आवे बे महीनों रे मैं अने इलेक्शन रे मैं अपना कोई भी भाई ने बोलावे पोतरावे लेन जाई भेड़गी पड़वा हारू अपने मारवाड़ी क्या कहे भेड़गी पाड़ी। बीजू तो हमें डर बारे कोई नहीं रही, समाज खूब मोटो है, इतना दाड़ा तो गणित में नहीं आता, लेकिन अने बे अपने विधायक जी है अने बे अपनी समाज री गणित कराई गए राजस्थान रे मैं अतरा हाँ मैं तो ढापड़े हो जा रही ढोक हो जा। विधानसभा रा मास्टर बनाया तो जोरदार समाज ने वास्ते जो अपने एसबीसी रा गुजर रबारी गाडलिया लोहार बंजारा अने श्यार जातियों ने 2 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी पाड़े घोषणा कराई दे रहा है, वो बहुत बड़ी कामयाबी आप रही है रतन जी री। अटे बे सरपंच वेदा रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में बे, एक तो हरनव हरसन जी और एक रेवाड़ा रे मैं भेरा रहा हूं।
तो आज की तारीख रे में आप एमएलए बनिया रे बाद में आप मंत्री बनिया रे बाद में साहब तो हमारी सरपंच बेपरतन मंडीरा चेयरमैन जिला परिषद सदस्य ससा हाथ हाथ पूरा जिला रे मैं आदो आज भाग कर बैठा ही आज ध्यान होना रही वो भी आते हम आज भाग में राज में आ जिला जालोर रे मैं और ध्यान रतन जी भाई साहब जी अठिने ओटाराम जी सिरोही रे मैं तो एक बहुत अच्छो बड़ो विकास की तो पहल के पूर्व जो हमने खेताराम जी ने पाए पद है मंत्री जी वो अपने बाप जी पाड़े तो भोपा जी पाड़े तो वन में भी हरियाली भी स्कूल 3 करोड़ डी वन टाइम में कराई थी वनोरो भी वो भी अपने समाज रहा था आने वास्ते समाज रे हित में काम की तो पसे बाद में रतन जी ने भी मंत्री बनिया तो उन्हें बाद में हाचौर जालोर आबू रोड जडे जडे अपना रबारी और समाज थोड़ी ज्यादा आती ओटे ओटे सबोरे हॉस्टल एक मोटी मोटी स्कूल बनाई अपने सौंडपुरा में हुंदा जी रोड माते रोनीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में वो है 10 करोड़ डी स्कूल अतराई सरपंच बनाया अतराई जिला परिषद सदस्य बनाया और परदोन पासा बे बनाया हासौर उप परदोन रोनीवाड़ा मारा मदर परदोन है अटे अपना समाज रहा आगे कौन एमएलए हता जना हारू तो अपन बनाया तो समाज रे हारू आप लोगों ने बे महीनों रे माय इलेक्शन हुए जर ज्यादा में ज्यादा आपने पधारणो है और वठे मेहनत करनी है कोई मन भेद वे है कि मत भेद नहीं करनो मन भेद वे उन्हें दूर करनो है मत भेद वे वो सुधारनो है मत तो अपने बेटी बोर्ड हागी जगह जाना सही जे ओडे जाना सही जे और कोई वो मैं आपने पहला बात की थी कि भेड़की पड़वा रे हारू हवन में हाड़कू नाको हारू कोई भाईडो सब खपतो वे विपक्ष वालो कहने लेन जे अपने कोई पद दिया प्रोन कटे वो करा प्रोन तो अने रबारी समाज ने तितर वितर करा तो वो मत व्यवहार दे जो वो आपकी दौलत है और वो व्यवहार जीतो तो समाज पीछे जाए पीछे जाए तो बजे आप लोग कोई हबड़वा वालो ऊपर नीचे कोई नहीं है भगवान के ओपन अवसर दी जो है हमने हाथ में थी जावा दिया तो बजे वो दो सौ नहीं लागी सब नहीं कॉमरे बारा में पूरा राजस्थान रे मैं नंबर वन माथे आया ही भाई साहब नंबर वन माथे नंबर वन अब की बात रोनीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में अपन रबारी और कोई नहीं किए कह रबारी एम एल ए था इसकी मत थोड़ी लाई इसकी मत ऐडी लाई है कि जीवन भर मनक नहीं भूली जीवन भर नहीं भूले हासौर थी नर्मदारी नहर रो पानी भागीरथ जो वने गंगा लाई थी जब वो अपने रोनीवाड़ा वे जसवंतपुरा ने रडाट करती जाए आदमी रे आदमी टी ऊपर आ ऊपर उन्हें पाइपों में ऊपर की तरह तो उन्हें पानी रा फोरस रे आधे जसन पूरा जाता नहीं 400 करोड़ की योजना लाई स्कूल और शिक्षा व्यवस्था रे आरू मॉडल स्कूल बनाई रोड बनाया जीएसएस बनाई हमें आप बात ही अठे बात मोने ज्यादा करो लेकिन कॉमरे बारे में अपन समाज ने कोई नहीं कहे कि आप रे समाज रे एमएलए कम कॉम की तो है जो 65 सालों में नहीं जीतो वो अने 5 सालों में करीन बताई हुए और अनेरे हाथे वो मारे बोली ने विराम दो आप लोगों ने सबरे दर्शन हुआ और एक बात ध्यान में रख जो संगठन रे और बे महीनों में इलेक्शन आवे बे महीनों में इलेक्शन होती आप सतर्क रह जो मजबूत रह जो और वन टाइम रे में पांच हाथ दड़ा आप रुकाम तोड़े मन ध्यान के थोड़ो खराब गई पर 5 साल रे हारू समाज ने अन पूरी राजस्थान समाज अन और अन ओटा राम जी ने माता निर्भर है ने बेरबारी और माता पूरा राजस्थान रा देवासी समाज है वे गए बे अमीला मोरे ही जो के कड़ी वरला वरला है तो ओटा थी तो कोई प्रतिनिधि ही नहीं समाज रा अपने आगे वो ने बे जणा जी तो अनोर माता मडोने अन ओपोने अठाती सुनेन मिले या तके जरवने पूरा अपनी पूरी राजस्थान की समाज रो विकास અને સમાજ રૂ કોમ ભઈ અને રે હાતે આપ લોકોને બોલાયા ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપને
खूब को बधाई दो और आ बात कीतिया थोड़ी एक बात बड़े को कह रहे मेहरबानी करे नशा पतो मत कर जो अभी देश और आया है नोट साफ जो पिया है तक माजो और घरे घर बनाओ जो नशो मत कर जो और बच्चों नारे पढ़ाओ जो जय हिंद जय भारत जय रबारी समाज। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जी राम जी, आपने बहुत ही अच्छी बात की समाज के हित में। अब मैं यहाँ के आयोजक माधाराम जी पुत्र जोगा जी करगटा दातवाड़ा एवं हरचंद जी खेती जी करगटा बिजरोल का गोलिया, आप दोनों आयोजक हैं, इनके साथ में एक 20 जनों की टीम है जिन्होंने 21,000 रुपये का सहयोग किया है और मुख्य रूप से माधाराम जी और हरचंद जी ने इस आयोजक का रूप दिया और ये वास्तव में आयोजक हैं। मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा और स्वागत समारोह अपन शुरू कर देते हैं। काफ़ी लंबा है स्वागत समारोह, तो मैं सर्वप्रथम माधाराम जी और हरचंद जी को आमंत्रित करूँगा कि हमारे बीच में विराजमान श्री श्री 1008 तीर्थगिर जी महाराज का साल उड़ा करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप पधारे हैं दोनों भाई और इस आयोजक की तरफ से आप गुरु महाराज जी की तरफ से आशीर्वाद प्राप्त करें, इनका स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जोरदार तालियों से स्वागत, गुरु जी के लिए ताली बजाकर के स्वागत करें। आपके पावन सानिध्य में ये समारोह हो रहा है, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन देवासी समाज बम्बई नगरी में कर रहा है, छत्रपति शिवाजी की नगरी में आपका स्वागत कर रहा है। अभी हमारे बीच में काफी वक्ता मुख्य मुख्य वक्ता बोलने बाकी हैं, आप शांति बनाए रखें, उनको सुनना, समाज के हित की समाज के विकास की बात करेंगे। अब मैं आमंत्रित करूंगा इन्हीं जोड़ी को माधाराम जी और हरचंद जी को कि हमारे बीच में विराजमान मुख्य अतिथि के रूप में रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक महोदय एवं राजस्थान विधानसभा में उप मुख्य सचेतक का साफा पेड़ा के स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत। छत्रपति शिवाजी की नगरी एक कुबेर की नगरी के अंदर लोकप्रिय विधायक महोदय रानीवाड़ा का स्वागत हो रहा है हरचंद जी और माता जी की तरफ से। बहुत बहुत स्वागत। एक संकल्प किया हुआ है, मैंने संकल्प किया हुआ है कि जब तक देवासी समाज का एक छात्रावास जयपुर में नहीं बनेगा तब तक मैं कोई भी राजकीय और सामाजिक मंच पर माला साफा से स्वागत नहीं करूँगा। मेरा ये संकल्प है, इसलिए इस संकल्प में आप मेरा सहयोग करें। आपने मेरा मुझे इस लायक समझा कि मुझे इस देवासी समाज के इतने बड़े विशाल सम्मेलन में स्वागत करने के योग्य समझा, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। स्वागत स्वीकार किया श्री खेवड़ा जी देसाई साहब। आगे की कड़ी में माननीय श्रीमान खेवड़ा जी देवासी साहब अध्यक्ष राजस्थान पशुपालक कल्याण बोर्ड, आपका भी स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा माधाराम जी और हरचंद जी। बहुत बहुत स्वागत है उधर तालियों से। थोड़ा सामने सामने उधर उधर प्रधान प्रतिनिधि के रूप में श्रीमान हरजीराम जी देवासी विराजमान है। मैं आमंत्रित करूंगा इसी जोड़ी को कि हरजीराम जी का साफा पहना के स्वागत करें। हमारे बीच में विराजमान दरगाराम जी देवासी उप प्रधान सांचूर, आपका भी स्वागत करेंगे
माधव राम जी और अर्चन जी, कृपया जल्दी करें, साफा और माला पहुंचाने वाले व्यक्ति कृपया शीघ्र मंच पर पधारे, थोड़ी व्यवस्था में ध्यान दें, कार्यक्रम लंबा हो गया है।